नमस्कार, झारखंड की समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी नियमित होंगे पारा शिक्षक, मिलेगा 20,200 का वेतनमान। झारखंड के 64,000 पारा शिक्षकों को शिक्षक दिवस के पूर्व राज्य सरकार बड़ा तोहफा देगी। उन्हें बिहार की तर्ज पर 5200 से 20,200 का वेतनमान दिया जाएगा। शिक्षकों को 2400 से 2800 का ग्रेड पे भी मिल सकेगा। इसमें TET पास प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। बाकी के लिए 3 सीमित परीक्षा होगी। जैसे जैसे पारा शिक्षक इसमें पास करेंगे उन्हें वेतनमान मिलने लगेगा। जो परीक्षा में पास नहीं कर पाएंगे उन्हें नौकरी से हटाया तो नहीं जाएगा, लेकिन वेतनमान नहीं मिलेगा, उन्हें मानदेय से ही संतोष करना पड़ेगा। इस पर शनिवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों और पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता में सहमति बनी। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए एक बुरी खबर। जानिए क्या कहा जैक अध्यक्ष ने। जैक की 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर असफल छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। अब छात्रों के समर्थन में छात्र संगठन भी कूद गए हैं। धरना प्रदर्शन करते हुए छात्र छात्राओं ने विधायकों और मंत्रियों से लेकर CM तक को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों का कहना है कि जब क्लास ही ठीक से नहीं हो पाया तो फेल क्यों किया गया, रिजल्ट बनाने में मनमानी हुई है। दैनिक जागरण से बातचीत में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह ने कहा है कि विद्यार्थियों की मांग गैरवाजिब है, जैक बोर्ड नियम कानून से चलता है, फेल विद्यार्थियों को पास करना संभव नहीं है। विद्यार्थियों को अगर लगता है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है तो ऐसे छात्र पूरक परीक्षा में शामिल हो सकता है। शनिवार यानी 7 अगस्त से 16 अगस्त तक पूरक परीक्षा के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की चूंकि परीक्षा हुई ही नहीं, ऐसे में पूर्ण मूल्यांकन की बात बेमानी है। पूरक परीक्षा के लिए 7 अगस्त से आवेदन लिए जा रहे हैं। विद्यार्थी 16 अगस्त तक परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन दे सकते हैं। झारखंड की हेमंत सरकार गिराने को 50 लाख का दिया था लालच, 8 विधायक थे संपर्क में। हेमंत सरकार के खिलाफ साजिश और विधायकों के खरीद प्रोक्त मामले में पुलिस 3 आरोपितों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपितों के स्वीकारोक्ति के बयान में सामने आए तथ्यों पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पूछताछ में सामने आया है कि सरकार के खिलाफ साजिश मामले में शामिल लोगों ने 8 विधायकों से संपर्क किया था। इनमें 3 विधायक फ्लाइट से दिल्ली गए थे और महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं संग बैठक की थी। अब तक जांच और पूछताछ में जिनके नाम सामने आए हैं उनमें महाराष्ट्र के भाजपा नेता चंद्रशेखर राव बनमुकुले और चरण सिंह के अलावा रांची के होटल लिलैक में ठहरने वाले जय कुमार बलखेड़े, मोहित भारतीय, आशुतोष ठक्कर, अमित कुमार यादव सहित अन्य विधायक शामिल हैं। साजिश मामले में जेल भेजे गए निवारण प्रसाद महतो ने यह स्वीकार किया है कि सदन में सरकार गिराने के लिए विधायकों की खरीद प्रोक्त में भूमिका निभाने के बदले उसे 50 लाख रुपए देने का लालच दिया गया था। खबर है झारखंड के धनबाद से। धनबाद में छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध, छात्र संगठनों का शनिवार को धनबाद बंद, कई जगहों पर पुलिस बल तैनात, प्रदर्शनकारियों पर बरसी लाठियां। SDM तथा अन्य वरीय पदाधिकारी द्वारा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के खिलाफ आंदोलनरत छात्राओं को शुक्रवार दोपहर बर्बरता पूर्वक पीटे जाने के खिलाफ कई छात्र संगठनों ने धनबाद बंद का आह्वान किया। सिटी सेंटर के पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा टायर जलाकर रोड को जाम कर दिया गया। मौके पर सदर पुलिस पहुंचकर टायर पर पानी डालकर आग को बुझाया। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने दुकानें भी बंद कराई। बंद समर्थकों ने कहा कि छात्रों पर लाठी चार्ज करने वाले दोषी पदाधिकारियों को अविलंब बर्खास्त किया जाए। इसी बीच पुलिस ने DC कार्यालय के सामने बंद समर्थकों पर जमकर लाठियां चलाई। इसमें कई भाजपाओं को चोट आई है। वहीं आक्रोशित भाजपाइयों ने बताया है कि हेमंत सरकार के पदाधिकारी गुंडई पर उतर गए हैं। नेताओं का आरोप है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले लोगों पर लाठियां भांजकर जिला प्रशासन दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। ऐसे में निरंकुश हेमंत सरकार को अविलंब उखाड़ फेंकना आवश्यक है। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। हजारीबाग में सड़क हादसा, जेल रोड में सूखे पेड़ की डाली गिरने से बाइक सवार की मौत, साथ में बैठी पत्नी बाल बाल बची। हजारीबाग जयप्रकाश नारायण केंद्र कारा रोड में शनिवार को मेडिकल कॉलेज के पास सूखे पेड़ की डाली टूटकर एक बाइक सवार पर गिर गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाइक पर बैठी उसकी पत्नी बाल बाल बच गई। बाइक सवार ने हेलमेट नहीं पहना था। मृतक की पहचान कोरा थाना क्षेत्र के मिरावल सिंदूर निवासी छोटू गोप के पुत्र मुकेश गोप के रूप में की गई।
बताते चलें कि हजारीबाग हाईवे समेत विभिन्न मार्गों में इस तरह की कई सूखे पेड़ खड़े हैं। थोड़ी सी आंधी या बारिश होने के बाद पेड़ की डालियां टूटकर सड़क पर गिर जाती है। कई बार यह मामला प्रकाश में आने के बाद भी फॉरेस्टर विभाग और हाईवे के अधिकारी गंभीर नहीं होते हैं। खबर है झारखंड के रांची से। रांची में नर्सों का हंगामा, सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे नर्सों का आरोप। कोरोना काल के दौरान आनन फानन में हुई नियुक्ति, अब बिना वेतन भुगतान के किया गया बेरोजगार, पुलिस ने इसे रोका। रिम्स में आउटसोर्स पर नियुक्ति, हेल्थ वर्कर्स मोरहाबादी मैदान में आंदोलन पर बैठ गए हैं। यह सभी सीएम हाउस का घेराव कर सीएम हेमंत सोरेन को अपनी व्यथा सुनाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस इन्हें यहीं रोक दी है। इनका कहना है कि रिम्स में इनकी सुनने वाला अब कोई नहीं है। नर्सों का कहना है कि कोरोना के दौरान हम लोगों से सेवा लिया गया, अब हमें काम से हटाया जा रहा है। अब तक वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया। हम अपनी समस्याओं को सीएम हेमंत सोरेन के पास रखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस हम लोगों को जाने नहीं दे रही है। वहीं मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों का कहना है, रिम्स से निकलकर मोरहाबादी के रास्ते मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकली है। हम लोग ने इन्हें रोका है, इनकी जो मांग है उसे आगे पहुँचाने का काम कर रहे हैं। खबर है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम से। झारखंड में पुलिस को नुकसान पहुंचाने की नक्सलियों की साजिश नाकाम, दलमा पहाड़ी में 14 लैंडमाइंस बरामद। झारखंड में पुलिस को क्षति पहुंचाने की नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। पूर्वी सिंहभूम जिले के बोड़मा थाना क्षेत्र की दलमा पहाड़ी के कोंका दोसा गांव की ओर जाने वाले रास्ते में जमशेदपुर पुलिस ने 14 लैंडमाइंस बरामद किए हैं। इनमें प्रत्येक का वजन 5 किलोग्राम है। पुलिस को उड़ाने के लिए नक्सलियों ने लैंडमाइंस बिछा कर रखा था, जिसे पुलिस ने सर्च अभियान में बरामद किया है। रांची से आई बम निरोधक दस्ता की टीम ने इसे निष्क्रिय किया। एसएसपी डॉक्टर एम तमिल वावन ने बताया कि शुक्रवार को पुलिस की ओर से नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा था। कच्चे रास्ते में तार बिछा हुआ देखा गया, जिसकी गहनता से जांच की गई तो पाया गया कि बम इलाके में बिछाए गए हैं। इसके बाद रांची से आई बम निरोधक दस्ता की टीम ने इसे निष्क्रिय किया। खबर है झारखंड के गोड्डा से। गोड्डा के जोलो नदी के पास अपराध की योजना बनाते 4 क्रिमिनल गिरफ्तार। मवेशी व्यापारियों से लूटपाट की योजना बनाते 4 क्रिमिनल्स को गोड्डा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी आरोपी गोड्डा के दलदली गांव के अलावा बिहार के बेगूसराय और कटिहार के हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से हथियार, एक कार, मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस बात की जानकारी एसपी वाईएस रमेश ने पत्रकारों को दी। एसपी श्री रमेश ने बताया कि 5 अगस्त को सभी आरोपी अपराध की मंशा से जुटे थे। सभी क्रिमिनल बांका तथा भागलपुर में आपराधिक घटना को अंजाम दे चुके हैं। इस बार सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में आपराधिक घटना को अंजाम देने की मंशा थी। बताया कि मवेशी व्यापारियों से लूटपाट की योजना को लेकर सभी सुंदर पहाड़ी के जोलो नदी के पास जुटे थे। पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। खबर है झारखंड के दुमका से। समय पर खुली दुमका और भागलपुर के लिए डेमू ट्रेन। गोड्डा रेलवे स्टेशन पर शनिवार को भागलपुर के लिए पहली डेमू ट्रेन अपने निर्धारित समय सुबह 6:05 पर गोड्डा स्टेशन से खुली। यह ट्रेन दुमका से सुबह 5:45 पर गोड्डा पहुंची थी। वहीं दूसरी ओर जसीडीज दुमका गोड्डा पैसेंजर ट्रेन अपने निर्धारित समय पर गोड्डा स्टेशन पहुंची, शाम 3:45 पर दुमका के लिए रवाना हुई। इसी के साथ गोड्डा रेलवे स्टेशन से सभी लोकल ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया। आप सब को बता दूं कि भागलपुर के लिए पहले दिन 35 यात्रियों ने ही टिकट कटाया, जबकि दुमका के लिए 45 टिकट कटे। ऑनलाइन लिंक की खराबी के कारण कुछ परेशानी हुई, जिसके कारण भागलपुर पैसेंजर ट्रेन कुछ विलंब से खुली। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। साहिबगंज मीनापुर के बच्चों की बदले केंद्र पर होगी अब नवोदय की परीक्षा। नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा का 2 केंद्र बदल दिया गया है। साहिबगंज मीनापुर के बच्चों की बदले हुए केंद्र पर अब परीक्षा होगी। प्राचार्य के असित ने बताया कि पहले साहिबगंज के बच्चों के लिए मरवाड़ी हाईस्कूल और मीनापुर के बच्चों के लिए चैपमैन बालिका हाईस्कूल में केंद्र बनाया गया था। अब इसे कुछ कारण से बदला गया है। अब साहिबगंज के बच्चों के लिए नवराष्ट्र हाईस्कूल पताही और मीनापुर के बच्चों के लिए LS कॉलेज में केंद्र बनाया गया है। आप सबको बता दो कि 11 अगस्त को यह परीक्षा होनी है। जिले में 14 केंद्र बनाया गया है। वहीं साहिबगंज में मोबाइल दुकान में चोरी में मनिहारी से एक गिरफ्तार किया गया है।
आप सबको बता दूं कि कॉलेज रोड में स्थित होटल चाणक्य के बगल में स्थित बाबा मोबाइल नामक दुकान में हुई चोरी में नगर थाने की पुलिस ने कटिहार जिले के मनिहारी गांव निवासी 23 वर्षीय ओम प्रकाश सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कुछ मोबाइल भी बरामद किया गया है। तकनीकी सेल की सहायता से चोरी की गई मोबाइल के नंबर को ट्रेस कर उसे गिरफ्तार किया गया। खबर है झारखंड के पाकुड़ से, आदिवासी दिवस पर होंगे कई कार्यक्रम। विश्व आदिवासी दिवस मनाने को लेकर शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक जिला अध्यक्ष उदय लखमानी की अध्यक्षता में हुई। इसमें आदिवासी दिवस के साथ स्वतंत्रता दिवस बांग्लादेश का 50वीं वर्षगांठ मनाने पर चर्चा की गई। बताया गया कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर सुबह 11 बजे गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया जाएगा। इसके बाद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। फिर सिद्धू कान्हू पार्क स्थित सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस भवन में आदिवासी परंपरा के अनुसार कार्यक्रम किया जाएगा। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हो गई। संक्रमण के 32 नए मामले सामने आए। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एक और व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में अब तक महामारी से मरने वालों की संख्या 5130 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश में संक्रमण के 32 नए मामले सामने आए, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 347336 हो गई है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में अब तक 341980 लोग संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं तथा 26 संक्रमित अभी भी उपचार में है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में कुल 57510 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 32 नए संक्रमित पाए गए। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।